नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटेटिव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो यूपी ट्रिपल एससी के तैयारी कर रहे छात्रों के लिए है और हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी में आए इतिहास से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है एसआर राव। हड़प्पा सभ्यता के लोथल हिस्से की खोज एसआर राव जी ने की थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर तीन भागों में विभाजित था? तो ऐसा धौलावीरा नगर था जो कि तीन भागों में विभाजित था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है माउंट ऑफ द डेड, मतलब मौत का टीला। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? तो इसका सही उत्तर है सुरकोटदा। सुरकोटदा में घोड़े के अस्थियों के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में मिले थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो इसका सही उत्तर है योग वेद। बाकी तीनों धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र और आयुर्वेद उपवेद के उसमें आते हैं। अगला प्रश्न है, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो तुलसी ऐसा सामग्री है जो कि पंचगव्य में सम्मिलित नहीं की जाती है। बाकी तीनों गाय का दूध, गाय का गोबर और गाय का घी पंचगव्य में सम्मिलित किया जाता है। अगर हम बात करें कि पंचगव्य में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है तो गाय का दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ पंचगव्य कहलाता है और पूजा पाठ में यूज के साथ साथ ये आयुर्वेद में से औषधि की मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो इसका सही उत्तर है शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहते हैं? तो वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो रामायण में मांडवी जी भरत जी की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को कुशीनगर में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही उत्तर है सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। पाली में बौद्ध ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है, इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो इसका सही उत्तर है उपशाखा पिटक। बाकी के तीनों अभिधम्म पिटक, सुप्त पिटक और बिना पिटक को एक साथ त्रिपिटक बोला जाता है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें मैं जितने प्रश्नों को आपको दिखा रहा हूं या समझा रहा हूं, बता रहा हूं, ये सारे प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी ने किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो जीवक ऐसे व्यक्ति थे जो कि राजा बिंबिसार के तो निजी चिकित्सक थे ही, साथ ही भगवान बुद्ध के भी वो निजी चिकित्सक थे। तो इसका सही उत्तर है जीवक। अगला प्रश्न है, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? इसका सही उत्तर है ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? इसका सही उत्तर है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य है, जिसका अर्थ होता है, तो कैवल्य का अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। जिसको कि कोई किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रहती है उसको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनी जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे? तो वह ग्रीस के निवासी थे। मेगास्थनी ग्रीस के ही थे और इन्होंने इंडिका ग्रंथ लिखे थे। अगला प्रश्न है, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, जो कि विशाख दत्त द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? तो इसका सही उत्तर है 13वां शिलालेख जो था वो कलिंग पर विजय का उल्लेख करता है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? इसका सही उत्तर है तोसली, उड़ीसा। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो इसका सही उत्तर है शाहबाज गढ़ी का शिलालेख था, उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है 13वां, जिस पर कलिंग विजय का वर्णन है। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ होता है। अगला प्रश्न है, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है सारनाथ। सिंह चतुर्मुख को ही भारत का राज्य चिन्ह बनाया गया है। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थी। देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था?
तो इसका सही उत्तर है अशोक को देवनामप्रिय भी कहा जाता था। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? इसका सही उत्तर है विक्रमादित्य सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार का हिस्सा थे ये दोनों। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर है कालिदास। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक प्रभावती गुप्त थी। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ के शासक थे? तो कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन थानेश्वर के शासक थे। कादम्बरी के लेखक कौन हैं? तो कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट जी हैं। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो तमिल साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रथम। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है पल्लिच्छांदम। पल्लिच्छांदम इसका सही उत्तर है, जो कि जैन सभाओं को दान में दी जाती थी। बाकी के तीनों जो हैं, गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को वेल्लन बगाई कहते थे, विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दी गई भूमि को साला भोगा कहते थे, और ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेय कहते थे। पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है गोपाल। पाल वंश का पहला शासक गोपाल था। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर है पूर्वी हिस्से से संबंधित था, जो कि बंगाल और बिहार का क्षेत्र आज का है। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो तोमर वंश का शासन था 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? तो सिंधु और झेलम नदी के बीच तक्षशिला शहर स्थित था। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी भीमबेटका में मिलती है। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? जिसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन कासिम। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? जिसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? जिसका सही उत्तर है चंदावर के युद्ध में 1194 में मारा गया था। मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो तराइन की पहली लड़ाई जब हुई थी उसमें गोरी पराजित हुआ था, और 1191 में ये लड़ाई हुई थी। हालांकि दूसरी लड़ाई 1192 में तराइन में हुई थी, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? जिसका सही उत्तर है कासगंज। अमीर खुसरो कासगंज में पैदा हुए थे। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? इसका सही उत्तर है बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बिठाया गया, मतलब कहाँ उनका राज्याभिषेक किया गया? इसका सही उत्तर है कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक किया गया था। किस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? इसका सही उत्तर है शेरशाह सूरी। ये रुपया चांदी का था। किस सम्राट के शासनकाल में भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ हुई? तो इसका भी सही उत्तर है शेरशाह सूरी। दोस्तों, आज के 50 प्रश्न पूरे हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इसी तरह की और वीडियो चाहिए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।